हमारे हालात में हमारे इर्द गिर्द के लोग, हमारे इर्द गिर्द की चीजें, हमारे हालात में हमारे इर्द गिर्द के जितने भी पेश होने वाले वाकयात हैं, हमारे हालात हैं, और जितने भी हमारे साथ या हमारे इर्द गिर्द जो मामलात चल रहे हैं, ये भी हमारे हालात में शामिल है। हमारे हालात जो है वो हमारे किरदार पर असरअंदाज होते हैं। अब किरदार क्या है? देखो कि किरदार हमारी सबसे पहले सोच, हमारी आदतों और हमारे रवैये हैं। हमारे रवैयों के जो नताइज और असरात हैं, वही हमारा किरदार है। हमारा किरदार जो है वो हमारे हालात पर असरअंदाज होता है। हमारी सोच, हमारी आदतें और हमारे रवैये हमारे इर्द गिर्द के हालात में जो शामिल लोग हैं उन पर असरअंदाज हो रहे हैं। हमारे इर्द गिर्द की जो चीजें हैं उन पर असरअंदाज हो रहे हैं, जो जगह है उन पर असरअंदाज हो रहे हैं, जो वाकयात है उस पर असरअंदाज हो रहे हैं, जो हमारे मामलात है उस पर असरअंदाज हो रहे हैं, हमारी किरदार जो है। और इसी तरह जिस तरह किरदार असरअंदाज हो रहा है हालात पर, और हालात जो है जिनमें हमारे इर्द गिर्द की जो चीजें हैं वो भी हमारी सोच पर असरअंदाज हो रही है, हमारी आदतों पर असरअंदाज हो रही है, हमारे रवैयाजात पर असरअंदाज हो रही है। इसी तरह हमारे इर्द गिर्द की जो जगह और लोग हैं वो भी हमारी सोच पर असरअंदाज हो रहे हैं, वो हमारी आदतों पर असरअंदाज हो रहे हैं, वो हमारे रवैया जात जो है उन पर भी असरअंदाज हो रहे हैं। इसी तरह हालात में शामिल हमारे इर्द गिर्द रूनमा होने वाले वाकयात जो है वो हमारे सोच पर असरअंदाज हो रहे हैं, वो हमारे आदतों पर असरअंदाज हो रहे हैं, और वो हमारे रवैयों पर भी असरअंदाज हो रहे हैं। इसी तरह जो मामलात है वो भी हमारे किरदार यानी हमारी सोच, हमारे जो आदतें और रवैयों के जो असरात है उस पर असरअंदाज हो रहे हैं। अब किरदार को बदलने के लिए हालात बदले, किरदार को बदलने के लिए, सोच को बदलने के लिए, आदतों को बदलने के लिए और रवैयों को बदलने के लिए हम अपने इर्द गिर्द के हालात बदले, और हालात को बदलने के लिए हमें अपनी सोच को बदलना होगा, हमें अपनी आदतों को बदलना होगा और हमें अपने रवैयों को बदलना होगा।